Hello everyone, in the series of Transfer of Property Act, now we are going to discuss Section 13 of the Transfer of Property Act 1882. अब हम बात करेंगे Section 13 Transfer of Property Act की. Section 13 में बात करता है Transfer for Benefit of Unborn Person. कि कोई Unborn Person है, कोई बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है, अगर उसको Property Transfer करनी है, तो वो Transfer कैसे करेंगे? Although Section 5 जो है Transfer of Property Act का वो बोलता है कि जो transfer होना चाहिए वो living person के बीच में होना चाहिए. मतलब अगर transfer हो रहा है तो जो person दो parties हैं transferor और transferee वो दोनों जिंदा होने चाहिए. लेकिन Section 13 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि अगर कोई person ऐसा है जो भी existence में नहीं है जो unborn है लेकिन अगर उसको transfer करना है तो कैसे transfer करेंगे ये उसके बारे में बात करता है. ये section क्यों लाया गया है इस act में? पहले के जमाने में ऐसा होता था कि सपोज मान लीजिए ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर चाहते हैं कि अपने ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी दें वो, ये ग्रैंडडॉटर को प्रॉपर्टी दें, तो ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बने वो मेरा ग्रैंडसन बने. लेकिन जो मेरा ग्रैंडसन है वो भी है नहीं, अभी मेरा सिर्फ सन है, सन की अभी शादी होगी उसके बाद ग्रैंडसन होगा. और जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है ग्रैंडसन के लिए और वो चाह रहा है कि मैं मेरे सन को प्रॉपर्टी ही नहीं देना चाहता, मेरे सन को इंटरेस्ट नहीं देना चाहता मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे जो प्रॉपर्टी का मेरा जो प्रॉपर्टी जो पूरी प्रॉपर्टी जाए वो मेरे ग्रैंड सन के पास जाए, तो ए यहाँ पे वो जो ट्रांसफर करेगा वो अनबॉर्न पर्सन के लिए कर रहा है. तो अनबॉर्न पर्सन के लिए प्रोविजंस बना रखे हैं कि अनबॉर्न पर्सन को अगर ट्रांसफर करना है तो कैसे करना है. एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को. ए जो है वो ग्रैंडफादर मान लीजिए, वो उसकी वो होल जो प्रॉपर्टी है या कुछ भी पार्ट उसकी प्रॉपर्टी का, जो एक प्रॉपर्टी है उसकी, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई पार्ट भी हो सकता है पूरी प्रॉपर्टी भी हो सकती है. मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक घर है तो एक घर पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि एक घर का कुछ पार्ट. अगर एक घर है तो एक घर पूरा, लेकिन मेरे पास पाँच घर हैं और पाँच घर में से मैं कोई एक घर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो एक कर सकता हूँ, ये नहीं कि एक घर में से ये इंटरेस्ट, एक घर का सिर्फ ये पार्ट, वो नहीं होगा. आपको जो घर से रिलेटेड पूरा जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए उस ट्रांसफ़र करते टाइम, अनबॉर्न के टाइम. तो ये है कि ए सपोज मान लीजिए यहाँ ग्रैंडफादर है, उसका सन है बी, तो ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को फॉर लाइफ, देन टू एल्डेस्ट सन ऑफ बी एब्सोल्युटली. ओवरऑल चीज़ है कि ए जो पर्सन है हम ये मानते हैं कि यहाँ पे ये ए जो है, बी जो है, बी है अनमैरिड, अभी इसकी शादी नहीं हुई है. ए जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बी के एल्डेस्ट सन को, जो सबसे बड़ा बेटा होगा बी का उसको प्रॉपर्टी जाए, क्योंकि मेरी सब जो जायदाद है, ए बोल रहा है कि मेरी जो जायदाद है उसका जो राजा हो, जो उसका स्वामी हो, जो उसका हकदार हो, वो मेरा पोता होना चाहिए. तो ए जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, अगर उसको प्रॉपर्टी अपने एल्डेस्ट सन जो है बी के, मतलब अपने पोते को ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए उसको पहले यहाँ पे एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, प्रायर इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है कि लिविंग पर्सन में ट्रांसफर होना चाहिए. तो यहाँ पे जो रीजनिंग बैठ रही है कि आप अनबॉर्न पर्सन जो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है उसके पास ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो कैसे करें, तो उसके लिए ये है कि आप अगर बीच में कोई एक ऐसा मीडिएटर बना दिया जाए जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट हो. लाइफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट मीन्स नॉन ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर लाइफ. मेरे पास रहने का तो अधिकार है, उसके सारे अधिकार हैं, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसफर का अधिकार मेरे पास नहीं है. जो ट्रांसफर का राइट है ना वो मेरे पास नहीं है, बाकी अदर्स जो राइट है वो उस प्रॉपर्टी को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वो मेरे पास है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मैं नहीं कर सकता, ये राइट मेरे पास नहीं है. तो ये होता है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना. ए ने क्या करता है, ए अपना ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, वो बी को देता है फॉर लाइफ, मतलब प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है बी के लिए कि आप सब ये प्रॉपर्टी रखो लेकिन आपके पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं है, आपके पास लिमिटेड राइट है कि आप इसका एंजॉयमेंट ले सकते हो. और फिर बोल रहा है कि जैसे ही बी का सन होगा, जिस दिन बी का सन जिंदा होगा, मतलब जिस दिन पैदा हो जाएगा बी का सन, तो उस दिन ये प्रॉपर्टी बी के सन की हो जाएगी. ओवरऑल चीज ये है कि ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को, उसके लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, और लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद वो बोल रहा है कि जिस दिन बी का पहला बच्चा हो जाएगा वो प्रॉपर्टी उस बच्चे की हो जाएगी एब्सोल्युटली. मतलब जो प्रॉपर्टी ए के पास थी वो पूरी की पूरी बी के पास चल जाएगी, और बी के पास जो ट्रांसफर का राइट है जो ए के पास था बी के बच्चे के पास, वो बी के बच्चे के पास भी चले जाएगा.
ए के पास आज प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का भी राइट है, इसको एंजॉयमेंट का भी राइट है, इसको डिस्पोज का भी राइट है। लेकिन जब ये सिर्फ बी को राइट दे रहा है तो ये राइट दे रहा है कि आप उसका एंजॉयमेंट कर लो, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। लेकिन जब बी का बच्चा हो जाएगा तो उसको ये सारे राइट मिल जाएंगे, उसको ट्रांसफर का भी राइट है, उसको एंजॉयमेंट का भी राइट है, उसको जैसे यूज करनी प्रॉपर्टी वो वैसे यूज करेगा। ये बी के सन के ऊपर है कि वो कैसे यूज करना है, ये बी के सन के ऊपर जो राइट होगा वो एब्सोल्यूट राइट होगा। तो ओवरऑल इस सेक्शन में जो बात करी है वो मेनली ये बात करी है कि ट्रांसफर जो होगा अनबॉर्न पर्सन के लिए, उसके लिए आपको एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो लाइफ इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, और फिर जिस पर्सन के लिए आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है और जिस पर्सन के लिए आपने बोला है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे जो लाइफ इंटरेस्ट हो रहा है क्रिएट बी के लिए, और जिस पर्सन को बाद में ट्रांसफर होगी लाइफ इंटरेस्ट के, वो बी का सन है, तो जो बी के सन को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ये इस सेक्शन में बात करी है। अब हम आगे एक 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 इलस्ट्रेशन ये भी है कि ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू एल्डेस्ट सन बी हु इज अनमैरिड। भाई बी एक पर्सन है, वो अभी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, और ए अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है एल्डेस्ट सन जो होगा बी के। मैं अगर बोलूँ कि मैं मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ एक ऐसे बच्चन को, एक ऐसे बच्चे को जो अभी पैदा नहीं हुआ है, तो वो जो मैं एग्रीमेंट ये जो ट्रांसफर कर रहा हूँ वो वॉइड होगा। यहाँ पे सपोज मान लीजिए ए है, ए अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहे अपने पोते को, क्योंकि ए ग्रैंडफादर है तो ए ग्रैंडसन हुआ। अब ये ग्रैंडसन को डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहेगा तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि जो रूल है वो ये है कि लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन लिविंग पर्सन के लिए एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, और लाइफ इंटरेस्ट यहाँ पे बी है जो ए का बेटा है, और ये फिर अपने पोते को ट्रांसफर तब होगी जिस दिन ये पोता एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जिस दिन ये पोता पैदा हो जाएगा उस दिन ये ट्रांसफर होगी। अब इसमें एक दो कंडीशन और भी आती हैं, वो हम एक बार ही सेक्शन पढ़ने के बाद देखेंगे। अब हम सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन बात करता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब हम कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं और उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और किसके लिए इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, किसके बेनिफिट के लिए, वो पर्सन जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये बी जो है अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसके इंटरेस्ट के लिए ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है। फिर बात करता है सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। तो मैं जो ट्रांसफर डीड बनाऊंगा तो उसमें एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, वो प्रायर इंटरेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि ये पर्सन प्रायर इंटरेस्ट होगा, इस पर्सन के नाम पे ये प्रॉपर्टी जा रही है। और प्रायर इंटरेस्ट क्या होगा, नॉन ट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर लाइफ। उसके पास राइट है सारे, लेकिन वो सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता उसकी लाइफ टाइम में, ये होता है लाइफ इंटरेस्ट। फिर बात हो रही है द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट। तो जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है बेनिफिट के लिए, किस पर्सन के लिए जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। तो ये जो इंटरेस्ट ट्रांसफरर का था, यहाँ पे ए का जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में, जब तक कि वो पूरा का पूरा उस अनबॉर्न पर्सन के फेवर में नहीं होगा ना, तब तक वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, वो इफेक्ट में नहीं माना जाएगा, वो इंटरेस्ट वो बेनिफिट नहीं मिला है। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है अगर अनबॉर्न पर्सन के लिए, तो आपको एक पहले लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है। लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाने के बाद आपको जब वो पर्सन जिसके लिए आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, जो पर्सन को आप प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली जाएगी, तो वो जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं अनबॉर्न के लिए, तो वो जो अनबॉर्न होगा उसके पास जो प्रॉपर्टी जाएगी वो एब्सोल्युट प्रॉपर्टी जाएगी। उसके पास वो सारे राइट होंगे जो ट्रांसफरर के पास होंगे। यहाँ पे ट्रांसफरर ए है, तो ए के पास जो राइट हैं आज, वो सारे राइट उस अनबॉर्न पर्सन के पास होंगे जो एल्डेस्ट सन है बी का, उसके पास वो सारे राइट होंगे। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है इसी सेक्शन के साथ। इलस्ट्रेशन बात करता है ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर ऑफ बी इंटरेस्ट फॉर ए। ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइफ्स। और फिर बोल रहा है कि बी की वाइफ जो होगी, ए की डेथ के बाद बी की वाइफ को मिलेगी, अगर ए मर जाता है तो बी की वाइफ को मिल जाएगी। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर, जब ये जो वाइफ है इसकी भी डेथ हो जाएगी, उससे पहले क्या है कि जो एल्डेस्ट सन है उनकी मैरिज का, इंटेंडेड मैरिज, जो इस ए और बी की जो वाइफ होगी, मतलब
जो बी की वाइफ होगी, जो अभी अभी बी की शादी नहीं हुई है, तो जो बी की वाइफ बनेगी और उसका जो बच्चा होगा, जो पहला बच्चा होगा, उसको फॉर लाइफ के लिए जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि हमने बात करी अनबॉर्न पर्सन को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो एब्सोल्यूट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ इलस्ट्रेशन बोल रहा है कि वो लाइफ इंटरेस्ट ही मिलेगा उसको। जो एल्डेस्ट सन होगा उनके इंटरनेट मैरिज का, वो उसको सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे इतनी ही अगर हम बात करें तो इतने में ये इलस्ट्रेशन वॉइड हो चुका है, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये लाइफ के लिए दे रहा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे रहा है ए को। एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर एज सेकेंड सन, और फिर बता रहा है कि अगर उसकी भी डेथ हो जाएगी जो बच्चा हुआ है, तो ए का जो सेकंड सन होगा, तो ये वाली जो मैटर है, ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, ये वैलिड मान ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही ये वॉइड हो चुका है। क्योंकि जो अनबॉर्न पर्सन है उसके लिए अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो वो प्रॉपर्टी हमेशा एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, कभी भी पार्शियल ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा। सो द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एल्डेस्ट सन डज नॉट टेक इफेक्ट। तो जो एल्डेस्ट सन के लिए आपने बेनिफिट जो किया था वो क्रिएट नहीं होगा, वो इफेक्ट में नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द एज रिमेनिंग इंटरेस्ट। तो जो ए पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा था बी को और बी की वाइफ को लाइफ इंटरेस्ट के लिए, वो फिर बोल रहा है कि एल्डेस्ट सन को ही ट्रांसफर कर दूंगा लेकिन लाइफ इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो ए की रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ओवरऑल जो ए का राइट है, जो ट्रांसफरर का पूरा राइट है, वो पूरा राइट इंटेंडेंट मेरिज से जो बच्चा होगा उस बच्चे को नहीं हो रहा है। यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है बच्चे को जो अनबॉर्न है, तो इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है, ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे वॉइड है। अब जो मेन चीज, कुछ और भी बातें हैं, वो ये है कि अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे बोलता है कि बी का जो ए यहाँ पे ट्रांसफरर था अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा था, बी अभी अनमैरिड है, और फिर बोल रहा है कि बी का जो बच्चा होगा उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगी, लेकिन सपोज मान लीजिए बी की कभी शादी नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बी की शादी नहीं हुई, तो अगर बी की शादी नहीं होगी तो जो बच्चा है उसका बी का वो कभी आएगा नहीं, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब बी का बच्चा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर जो प्रॉपर्टी है ए की, जो उसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करी, तो जब तक बी जिंदा है तब तक तो बी के पास रहेगा उसका लाइफ इंटरेस्ट, लेकिन जैसे ही बी की लाइफ खत्म होगी वो प्रॉपर्टी वापस ए के लीगल हेयर्स में चल जाएगी, क्योंकि ए जब तक हो सकता है जिंदा। सो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है बी के लीगल हेयर्स को, अगर ए के लीगल हेयर्स को, अगर बी की शादी नहीं होती है, और शादी नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा, और बच्चा नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी वापस ए के लीगल हेयर्स में चल जाएगी। लेकिन सपोज मान लीजिए बी की शादी हुई और बी की शादी होने के बाद उसका जो बच्चा हुआ वो एक दिन का होता है, और एक दिन का होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर वो बच्चा एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो उसकी डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो उस बच्चे के लीगल हेयर्स में जाएगी, ना कि ए के लीगल हेयर्स में। फॉर एग्जांपल वापस समझिए कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी बी को और उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया, और फिर बोलता है कि ए जो लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है वो बी की डेथ के बाद, बी की लाइफ ख़त्म होने के बाद बी के बच्चे को जाएगी। अब सपोज मान लीजिए बी जिंदा है और बी जिंदा होने के बाद अब उसका बच्चा हो रहा है, और वो जो बच्चा होता है वो एक दिन जिंदा रहता है लेकिन फिर जिंदा होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जब अगर बच्चे की डेथ हो जाएगी तो जो लीगल हेयर्स होंगे उस बच्चे के, उनमें वो प्रॉपर्टी वेस्ट करेगी, उनमें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ए ने कंडीशन लगाई कि ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को, और फिर बोलता है कि आपके लिए लाइफ इंटरेस्ट है, और फिर बोलता है कि आपके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी आपके बच्चे की होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि बी का बच्चा होने से पहले ही बी की डेथ हो गई, तो बी की अगर डेथ हो जाती है तो ये जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन है ये वॉइड हो जाएगा, वापस जो प्रॉपर्टी है वो ए के लीगल हेयर्स में चली जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और बी की शादी तो हो गई, लेकिन जो बच्चा है वो अभी, जो बी का ये बच्चा है वो अभी बी की वाइफ के बॉम्ब में है, मतलब बी की जो पत्नी है उसके पेट में अगर वो बच्चा है तो भी ये माना जाएगा कि वो बच्चा है, वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, और जिस दिन से बॉम्ब में आ जाएगा तो मान लिया जाएगा कि ये पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब अगर बी की डेथ भी हो जाती है लेकिन वो बच्चा अभी बॉर्न नहीं है, लेकिन वो इन द मदर्स बॉम्ब में है, बी की वाइफ के बॉम्ब में है, तो वो मान लिया जाएगा वैलिड ट्रांजेक्शन, और वो जो जिस दिन बच्चा ये पैदा हो जाएगा उस दिन ये प्रॉपर्टी इसी की हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।